दोस्तों स्वागत है सभी का एमआर न्यूज टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, जहां कोतवाली प्रांगण में नवागत अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्रिक की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आपको बताते चलें कि आगामी त्योहार सभी बरात और होली को लेकर सकुशल संपन्न कराने की यह बैठक संपन्न हुई है। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद गंभीर है। वहीं बैठक में नगर पालिका परिषद एवं बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गणमान्य नागरिकों ने त्योहारों के मौसम और सुकून की राह में बाधा उत्पन्न करने वाली क्षेत्रीय समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया और उनके त्वरित निदान की मांग की, जिस पर जिला प्रशासन ने जल्द कदम उठाकर नागरिकों को उक्त बाधाओं से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके मद्देनजर जिले के गणमान्य नागरिक और धर्मगुरुओं ने इस बैठक में शिरकत की। बैठक में उपस्थित रहे नगरपालिका परिषद मऊ के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल, छोटे लाल गांधी, मौलाना खुर्शीद, मौलाना इफ्तिखार मिफ्ताही, सभासदगढ़ और दोस्तों खबरें अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जिले के लोगों के हाथ में, जिले का सम्मान जिले के लोगों के हाथ में होता है, परिवार का सम्मान परिवार के लोगों के हाथ में। तो सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है, हम लोग मजबूती से आपकी सहयोग में और मदद में खड़े रहेंगे, इतना वादा। मेरा एक एक्सपीरियंस है, जहाँ मिक्स पॉपुलेशन के एरिया रहे हैं तो पढ़ा लिखा भी वहीं और बहुत सारा नौकरी करने का भी मेरा आदेश दिया। डीजे न बजाने का, शराब पी के उधम न करने का, ये आदरणीय और अनुकरणीय है। और मैं आप सभी लोगों से, जब आप लोग मुझसे ये कहते हैं कि डीजे न बजे, तो अच्छा भी लगता है थोड़ा कि आप लोग कम से कम नहीं चाहते हैं, लेकिन मन में पीड़ा भी होती, कष्ट भी होता है कि डीजे बजाने वाले पुलिस वाले नहीं रहते हैं, अन्ना कोई बाहर का रहता है, हम सभी के बच्चे रहते हैं फिर भी डीजे बजता है। हमारे बच्चे ऐसे कैसे निरंकुश हो गए हैं, इतना नियंत्रण से बाहर कैसे हो गए हैं कि हमारी मर्जी के बराबर बगैर वो डीजे बजा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बच्चों पर इतना नियंत्रण अवश्य रखें। पहले मोहल्ले में, गाँव में हम लोगों के एक व्यक्ति रहते थे जो पूरे मोहल्ले के बच्चों को कंचा खेलते देखते थे तो तड़ तड़ मारते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। इस परंपरा को बचाए रखिए। आप सभी लोगों को यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी समस्याओं को, जो बहुत छोटी है और वो समस्याएं नहीं है, सही बात तो क्या गया, क्या कुछ आज आगामी त्यौहार सभी रात और होली के लोग शांति समिति की बैठक थी, उसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया है और जो उनको समस्याएं लगती हैं उनके बारे में पुलिस और प्रशासन को अवगत कराया गया है। और ये भी आश्वासन दिया गया है कि हम लोग पुलिस और प्रशासन को त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में पूरा सहयोग और सहायता करेंगे और पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जैसे ड्यूटी लगती रही उससे और बेहतर ड्यूटी इस बार लगेगी और सारे त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न होंगे, ऐसा हमारा विश्वास। आज सर कोतवाली में बैठक रहा, कौन कौन लोग उपस्थित रहे इस बैठक में? अब मैं ज़्यादा लोगों को अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रशासनिक तौर पर मैं उपस्थित हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब उपस्थित हैं, CO मधुबन साहब हैं यहाँ और हमारे कोतवाल और दक्षिणी टोला के प्रभारी निरीक्षक उपस्थित हैं, बाकी और सारे गणमान्य नागरिक जो इस शहर के हैं वो सभी। एक मुख्य त्यौहार के बीच आप मऊ में आए हैं और इस दौरान क्या लग रहा है, किस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तौर हमारा मेरा एक्सपीरियंस है वो इसी तरीके के जिलों में जहाँ मिक्स पॉपुलेशन रही है, एक बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीज़ें को उसका हमें फायदा मिलेगा और लोगों के सहयोग से और पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था से सारे त्यौहार सकुशल संपन्न होंगे। अगर कोई ऐसी बात जैसे नशे में आ गया कुछ ऐसे, तो क्या कार्रवाई होगी उन लोगों पर? नहीं, जो नियम थे, जो कानून थे, जो कार्रवाई बनती है उनके विरुद्ध वही कार्रवाई होगी और किसी को भी कुछ गलत करने की इजाजत किसी कीमत पर नहीं। थैंक यू जी। आज शांति समिति की बैठक हुई है, क्या हुआ उसमें और क्या बातें हुई? हाँ, इसमें होली त्यौहार जो 8 तारीख होने वाला है,
और होलिका दहन 6 तारीख को होगा और इन दोनों के बीच में 7 तारीख को हमारी शबे बारात है। तो होली, होलिका और शबे बारात अमन शांति से हो, इस सिलसिले में गुफ्तगु हुई और क्या समस्याएं हैं और लोगों की मसाइल हैं इन पर भी गुफ्तगु हुई। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि कोई समस्या नहीं है, कहीं बिजली तार नीचे है तो कहीं कुछ रास्ते के पटिए टूटे हुए हैं, मदिर होलिका जहाँ दहन होता है वहाँ दाएं बाएं देखना है कि कोई आँख से या उस लकड़ी की आँख से कोई परेशानी न हो जाए। इन सब चीज़ों के बारे में गुफ्तगू हुई और ये भी हुआ कि होली का जो त्यौहार है ये अमन शांति से हो और उसमें शराब दारू पी करके जो लड़के होली करते हैं ये भी ना करें। और शबे बारात के मौके पर भी बाद लोगों ने कहा कि रात में कुछ बच्चे गाड़ियों पर बैठ करके शोर शगफ करते हुए जाते हैं, तो लोगों ने भी कहा कि त्यौहार तो हमारा ये मजहबी त्यौहार है, वो इबादत करने का दिन है, कब्रिस्तान पे जाने का दिन है। मैं अपने नौजवानों से भी कहूँगा कि अगर इस तरह की बात हो रही है तो उसको कतन होना नहीं चाहिए, मन शांति के साथ ये शब-ए-बारात भी गुजरे और सारा त्यौहार भी गुजर जाए।